नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी कम हुआ ही है, लेकिन जिस तरह से दिवाली को लेकर बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से कोरोना बम फूट सकता है। तीसरी लहर की आशंका अभी भी बरकरार है, लेकिन भीड़ की लापरवाही दिख रही है। लोग बड़ी संख्या में त्योहारों से पहले बाजारों में जुटने लगे हैं। दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में तो हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। सरोजनी नगर से लेकर सदर बाजार, चांदनी चौक, हर जगह भारी भीड़। तो वहीं मुंबई में भी सभी बाजारों में लोग बेपरवाह हैं और भीड़ हर जगह। त्योहार के सीजन में कोरोना प्रोटोकॉल की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं। और ये हाल किसी एक शहर का नहीं, दिल्ली, मुंबई, नागपुर से लेकर हर शहर में दिवाली से पहले बाजारों में इसी तरह की भीड़ है, जैसे लोग भूल ही गए कि कोरोना अभी भी उनके बीच है। आपको दिल्ली और मुंबई की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। दिवाली से पहले की खरीदारी इस कदर हो रही है कि लोगों को इस बात का ध्यान ही नहीं कि कोरोना भी कुछ होता है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं। इसके साथ ही बहुत से लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजर आते हैं, और ऐसा ही हाल सदर बाजार और भागीरथ पैलेस के मार्केट में भी दिखा। तो वहीं मुंबई के दादर मार्केट और नागपुर के बाजारों में भी त्योहारों की खरीदारी के लिए किस तरह जमकर भीड़ उमड़ रही है, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिवाली से पहले जमकर भीड़ उमड़ी। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने दिल्ली के सरोजनी नगर की भीड़ वाली मार्केट से ये रिपोर्ट भेजी। त्योहारों का मौसम जैसे ही आया है, वैसे ही बाजारों में भीड़ शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं चल रही है कि कभी भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन उसी बीच जिस तरीके की लापरवाही बाजारों में हो रही है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में बाजारों में भीड़ होनी सामान्य है, लेकिन उसी बीच लोगों को सतर्कता भी बरतनी है। लोगों को ये भी देखना है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, लेकिन उसी बीच अगर इस तरीके से लोग बाजारों में ज्यादा भीड़ में और बिना मास्क के घूमेंगे तो जाहिर तौर पर लोगों को ही परेशानी होगी और कोरोना के फैलने का एक बार फिर से खतरा पैदा हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। उसके कई वेरियंट्स भी, नए नए वेरियंट्स भी इस वक्त कोविड के मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर लोग बिना मास्क के घूमते रहेंगे तो जाहिर तौर पर लोगों को कोरोना से अब कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे में बार बार लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अगर कहीं भीड़ में जाएं तो मास्क पहनकर जाएं। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में आप त्योहार भी मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना और अपने आसपास के लोगों को भी कोरोना से बचाएं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं, मैडम मास्क क्यों नहीं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? ये रहा, अभी हम सामान देख रहे थे, कोरोना हो जाएगा इतनी देर में तो ये लो पहना क्यों नहीं, डर नहीं लग रहा था? अभी वो ठंडा पिया है, जब उतारे नहीं उतारा। देखिए बिल्कुल, ये अब आप इतनी देर में कोरोना नहीं देखेगा कि हाँ आपने ठंडा पिया है या क्या है, लेकिन आपको भीड़ में इस तरीके से बिना मास्क के आप घूमेंगे तो जाहिर तौर पर ये आप लोगों के लिए ही परेशानी है। और अभी भी देखिए कई लोग ऐसे हैं जो मास्क को पहना है लेकिन मास्क को मुंह से नीचे किया हुआ है। मास्क क्यों नहीं पहना? ऐसे ही मास्क क्यों नहीं पहना? ऐसे ही क्यों नहीं पहना? ऐसे ही। कोरोना से डर नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।